वक्त की खबर आपको बता दें कि छात्र की खुदकुशी में गर्लफ्रेंड और उसके दोस्तों पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। प्यार में नाकामी में बीएससी के छात्र ने सुसाइड किया था। छात्र ने 12 जुलाई को फांसी के फंदे पर लटककर खुदकुशी की थी। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए जुटते हैं अपने संवाददाता राकेश कनौजिया के साथ। जी राकेश, ये खुदकुशी क्यों की गई थी, क्या वजह थी खुदकुशी करने की? देखिए आंचल, मैं आपको बता दूं, थाना सदर बाबूराम कॉलोनी क्षेत्र का ये मामला है। ये प्यार में नाकामी का मामला नहीं है, प्यार में ब्लैकमेल का ये मामला है। दरअसल डालबाग क्षेत्र की रहने वाली एक युवती से थाना सदर बाबूराम कॉलोनी के रहने वाले नितिन की दोस्ती थी, और दोस्ती में और जो दोस्त थे, बॉयफ्रेंड थे उसके, तो साथ साथ रहते थे। अचानक युवती की डिमांड बढ़ने लगी और युवती जो नितिन था उससे पैसे ऐंठना उसने शुरू कर दिया था। और जब उसने इनकार किया जी, तब इनकार किया कि मेरे पे इतने पैसे नहीं है, तब युवती और उसके दूसरे दोस्तों ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था कि हम तो ये ब्लैकमेल करेंगे, धमकी इस बात की दी गई थी। और इसी बात से नितिन परेशान था, अपने आप में बड़ा मामला है क्योंकि एक सुसाइड नोट मोबाइल फोन के डिब्बे में मिला था, जिसमें इस बात का उल्लेख था कि पापा मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसे और दोस्त को सजा मिलनी चाहिए और आप उस प्रकार उनको किसी छोड़ना नहीं। जब सुसाइड नोट मिला तब उसके पिता सुसाइड नोट लेकर थाना सदर पहुंचते हैं और सुसाइड नोट के आधार पर थाना सदर पुलिस गर्लफ्रेंड और उसके दूसरे दोस्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेती है। ये प्यार में ब्लैकमेल है, प्यार में ब्लैकमेल का ये अपने आप में मामला है, काफी अपने आप में बड़ा मामला है। बीएससी का ये छात्र था, लेकिन होनहार छात्र था, लेकिन प्यार के चंगुल में ऐसा फंसा कि उसने अपनी जान तक दी। आजकल में आजकल ऐसे मामले बहुत आ रहे हैं जब प्यार में धोखा तो पहले चलता था, धोखा हो जाता था कि लड़की एक लड़के को चाहती थी, दूसरे से शादी कर लेती थी, उसे प्यार में धोखा करें, लेकिन अब नया ट्रेंड चला है प्यार में ब्लैकमेलिंग का। ब्लैकमेल प्यार में किया जाने लगा है। प्यार जैसे पवित्र रिश्ते को ये कलंकित करता है। जब आपकी दोस्ती है, यदि आप एक दूसरे से प्यार करते हैं, फिर ब्लैकमेल जैसी चीजें नहीं आनी चाहिए। प्यार में धोखा इसलिए भी हो जाता है, कभी कभी पारिवारिक मजबूरियां हो जाती हैं, परिवार का दबाव आ जाता है और इससे बचने के लिए धोखा हो जाता है प्यार में। लेकिन प्यार में ब्लैकमेल करना वास्तव में आंचल बहुत शर्म। राकेश, जैसे कि आप बता रहे हैं, कि लड़की और उसके दोस्त उसको ब्लैकमेल करे, तो वजह क्या थी ब्लैकमेल करने की, क्यों ब्लैकमेल कर रहे थे, तो क्या किस लिए ब्लैकमेल कर रहे थे वो? देखिए, जब प्यार है तो कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिसकी फोटोग्राफी भी कर ली जाती है जी। और उसी को सारा बनाकर ब्लैकमेल किया जाता है जी। लेकिन लड़का जो नितिन है उसको भी थोड़ी हिम्मत दिखानी चाहिए थी। और आत्महत्या किसी भी चीज का समाधान नहीं है, आप जिंदा रहकर लड़ाई लड़ सकते हैं, मरकर लड़ाई लड़ी नहीं जाती। जो व्यक्ति मौत को गले लगाता है तो वो कायर कहलाता है, और कहीं ना कहीं जो नितिन था उसे लड़ना चाहिए था। यदि लड़की ब्लैकमेल कर रही थी आपको, तो उसकी शिकायत पुलिस से की जा सकती थी, लड़की के परिवार से की जा सकती थी, लड़की से दूर की। और जब समय इतना एडवांस हो चला है, जब लोग इस बात का ज्यादा गंभीरता से ही लेते कि उसने उसकी फोटो खींच के डाल दी है या उसकी फोटो न्यूड है, तो इस बात को भी लेकर आजकल लोग हल्के में लेते हैं। इसका भी कोई ज्यादा महत्व आज के समय में नहीं बचा है। लोग मानते हैं कि गलतियां हो जाती हैं इस उम्र में, तो इस बात को आज की पीढ़ी को समझना होगा और चीजों से लड़ना सीखना होगा, तभी आप न्याय पा सकते हैं।
मरकर न्याय नहीं मिलता, मरकर परिवार के लोगों को दंड मिलता है और अधिक दंड मिलता है। नितिन तो मर गया लेकिन परिवार के लोगों का क्या हाल है, ये आजकल आसानी से समझा जा सकता है। प्यार में जिस तरीके से बेले हुआ है तो उससे दूरी बनाई जा सकती थी, परिवार के लोगों से शिकायत की जा सकती थी। ऐसा नहीं है ब्लैकमेल कर कोई व्यक्ति जब ब्लैकमेल करता है तो अगर उसके साथ लड़की के साथ फोटो है तो लड़की भी तो की भी तो बदनामी होगी, तो कभी कभी दिमाग भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और इन बातों से कोई असर नहीं पड़ता कि लड़की ने किसी ने हमारी फोटो खींच ली है वो सोशल मीडिया पे डाल देगा और पड़ोसी क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। वो दौर बीत चुका, अब वो दौर नहीं बचा है। जब इन चीजों को लोग बहुत गलत निगाह से देखते हैं जी। और आजकल ये चल पड़ा है तो लोग समझते हैं कि जब सोशल मीडिया का समय है तो कुछ ऐसी चीजें चलती पहले से आई हैं। जी राकेश, ये बताइए जैसे कि बहुत ही गंभीर मामला है, क्या पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है? अगर नहीं की है तो क्यों नहीं हो पाई है अभी तक? देखिए मुकदमा दर्ज किया गया है और बात हमारी पुलिस से हुई है, उनका कहना है कि कार्रवाई की जा रही है और गिरफ्तारी के प्रयास भी किए जा रहे हैं। आचल जी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश आपका समस्त जानकारी देने के लिए। एक बार आपको फिर से बता दें कि छात्र की खुदकुशी में गर्लफ्रेंड और उसके दोस्त पर मुकदमा दर्ज हो गया है। प्यार में नाकामी में बीएससी के छात्र ने सुसाइड कर लिया। छात्र ने 12 जुलाई को फांसी लगाई थी। मृतक छात्र के पिता ने दोनों पर मुकदमा भी दर्ज करा है। बेटे नितिन की दयालबाग की रहने वाली युवती से दोस्ती थी। आगरा के थाना सदर में पिता की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा दर्ज होते ही युवती और उसके दोस्त पर जो है मुकदमा दर्ज होने का उनकी तलाश की जा रही है। थाना सदर पुलिस की आरोपियों जो है पुलिस है वो आरोपियों की तलाश के लिए दबिश लगातार दे रही है।